कर लेते पानी की समस्या की। राजस्थान में पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि राजस्थान सरकार और प्रशासन इस मामले को पूरी तरह से हल्के में ले रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार हर घर नल का जल पहुंचाना चाहती है और इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया, लेकिन राजस्थान में प्रशासन इस काम को बेहद ही धीमी गति से कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान दुनिया के उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिसे पानी की कीमत पता है, लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना पर पानी फेरने में अफसर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी सियासी बयानों में योजना पिस्ती नजर आती है तो कभी सिस्टम की लापरवाही से इसे रौंदने की कोशिश होती है। राजस्थान जल जीवन मिशन में खर्चा करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे पीछे हैं। जल जीवन मिशन के जरिए पानी पहुंचाने के लिए मिशन के डायरेक्टर पृथ्वी सिंह और चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान में अब तक 1078 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन काम की रफ्तार में अब भी देश में सबसे पीछे ही है। 1000 करोड़ खर्च करने के बावजूद इस साल के टारगेट का सिर्फ 5% ही काम हुआ है। अगर हम जलदाय विभाग के इस साल के कामकाज को देखें तो केंद्र से आने वाले पैसे और केंद्र से मिलने वाले काम के टारगेट पर राज्य प्रशासन की रफ्तार को देखें तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस साल जलदाय विभाग को 30 लाख नए कनेक्शन लगाने हैं, जिसमें से अब तक सिर्फ 1,71,000 कनेक्शन ही हो पाए हैं। 2021 में फरवरी से अब तक 10 माह की अवधि में SL/SSC की 10 बैठकें हुई, जिसमें राज्य के 1,01,32,274 ग्रामीण परिवारों में से 78 लाख परिवारों को हर घर नल कनेक्शन देने के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कनेक्शन लगाने में तेजी नहीं हो पा रही है। एक तरफ अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत लगातार कह रहे हैं कि इस मिशन में तेजी लाएं, लेकिन इस योजना में जलदाय विभाग लगातार पिछड़ता जा रहा है। ये साल हम लोग 30 लाख नए कनेक्शन घर घर देंगे, उसके बाद अगले 2 सालों में बचे हुए कनेक्शन देकर के बस 2024 के अंत तक पूरे राजस्थान में लगभग 1,02,00,000 लोगों को हम घरों को घर घर कनेक्शन देने का काम पूरा कर सकेंगे। हुआ है क्या?